श्री राम जय राम जय जय राम। आज के श्री राम कथा में रोवालोक के स्वागत बा। एकरा पहले कथा सुनावल गई कि सुमन जी लौट के आयल बानी वन में से, मन में बहुत दुखी बानी कि हम राजा से का उत्तर देव। वहां का कहले रनी कि दोनों भाई और वैदेही के खाली बन दिखा के ले आई है। बहुत मुश्किल से अयोध्या में प्रवेश करनी, राजा दशरथ जी के सब हाल सुनैनी। सुनत राजा दशरथ व्याकुल हो गए नी, बहुत दुख भइल और आखिरी में राम नाम लेत राजा दशरथ के प्राण पखड़ी उड़ गई। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम जी के नाम लेने शरीर धरती पर पड़ गई। लोग विलाप करे लागल, सब लोग रोवे लागल। वशिष्ठ मुनि ज्ञानी रही, परम तपस्वी रही, वहां के सब लोग के समझावत अनी, दोनों के वर्णन वो स्वामी जी कहनी। वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारूं सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि लोग के शोक दूर हो सको ऐसन ज्ञान के बात बतावे लगनी। नाव में तेल भर के राजा दशरथ के मृतक शरीर लाश धरा गईलो में कहल गईल कि जाके भरत जी के खबर दियाओ, उनका के बुलावल जाओ। धाव वेग भरत पहि जाओ, ये दौड़ के जालो। दौड़ के जाए मतलब कोनो इतना नजदीक ना रहे कि दौड़ के चल जाओ। के कई प्रदेश में अपना ननिहाल में ममहर में भरत जी रही। दूत भेजल गई, दूत लोग हवा के वेग से के प्रदेश पहुंचता और उन्हें भरत जी के पहले से ही अपशकुन होके लागल बा। मन में शंका होके लागल, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के भयावह दृश्य और स्वप्न दिखाई पड़े लगल। भरत जी रोज रुद्राभिषेक करतनी, शिव जी के मनावतनी, ग्रह शांत करतनी। वशिष्ठ मुनि दूत से कहले रही कि जइह बुलावे भरत जी से, बतइह मत कि काहे बुलावल गई बा। खाली इतने कहिए कि गुरु जी बुलेले बनी और जल्दी चले के बा। दूत का कई प्रदेश पहुंचल लोग, भरत जी के खबर मिलल की बुलावा इलबा। भरत जी वहां से हवा वेग से चलनी, रथ पर सवार होके अयोध्या वतनी। यहां सब तरफ उदासी बा, पेड़ पौधा पशु पक्षी सब निराश दिखाई पड़ता लोग। भरत जी अपना माई केकई जी का लगे पहुंचतनी। केकई जी भरत जी के देख के खुश हो गई, इन्हें पति के देहांत हो गई बा, लाश धैल बा। लेकिन ओकर दुख ओकर पीड़ा नहीं खे, भरत जी आयल बनी। मन में खुशी बा कि हमार लड़का आयल बा और एकरा राज गद्दी मिली, अब एकरा के बताए तो ये खुश हो जाई। ये सोच के केकई जी खुश होता रही। गोस्वामी जी लिखत नहीं केकई हर सीत देही भाती, केकई हर सीत देही भाती, मन मुदित दव लाई किराती, मन मुदित दव लाई किराती। सुत ही ससोच देखी मनु मारे, सोच देखी मन मारे,
पूछति नै हर कुशल हमारे पूछति नै हर कुशल हमारे। केकई जी हर्षित हो गईली, भीतर से खुश हो गईली कि हमार पुत्र भरत आइल बाड़न और उनका राज मिलल बाई। सुनिए तो खुश हो जाई है, लेकिन पता लगल कि भरत जी बहुत दुखी बाड़े देख के यहाँ। अभी भरत जी का पता नहीं कि का भइल बा, फिर भी माहौल देख के भरत जी का बड़ा उदासी होता। सुत ही ससोच देख मनुमारे, बेटा सोच में बाड़न, चिंता व उनका मन के मतलब मन के भीतर के खुशी के दबा के भरत जी के सामने प्रकट नहीं करत और कह तरी कि हमरा नैहर में सब कुशल बानु, पूछती नैहर कुशल हमारे। बात बदले लगली कि कम से कम पहले हाल चाल ले लिया नैहर के, तब यहाँ के समाचार इनका के बतावल जाई। सकल कुशल कही भरत सुनाई, भरत जी सब अपना ममहर के सब बात सुनाई ले। बातचीत होता, भरत जी पूछे लगने कि आखिर का भइल बा यहाँ, ये स्थिति इतना काहे गम से भरल बा, दुख से भरल बा, सब लोग चिंतित काहे नजर आ रहल बा। तो कहता रही केकई जी, तात बात मैं सकल संभारी, तात बात मैं सकल संभारी, भये मंथरा सहाय हमारी, भये मंथरा सहाय हमारी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े वो, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े वो, भूपति सुरपति पुर पग धारो, भूपति सुरपति पुर पग धारो। भरत जी जब पूछे लगनी कि हे माता का भइल बा, केकई जी समझावत अरे कि तात बात में सकल संवारी, हे तात सब बात तो हम संभाली ले रनी, अब उमें सहयोगी भैली मंथरा, ना तो बात तो बिगड़िए गिरल, लेकिन फिर भी बात संभल गई। का बात रहे कि राम जी के राजगद्दी दियात रहे तो हम तहरा खातिर राजगद्दी के इंतजाम करवा देने और राम के बनवास दे देने। अभी कहत नहीं की, लेकिन बात ही रहे श्री राम जय राम जय जय राम, तात बात मैं सकल संवारी, हे तात सब बात हम संभाल लेनी है, साथ में मंत्रा सहायक भैली, बकिर विधाता बीच में बात बिगाड़ देनी। अब बात ऐसन बिगड़ल कि तहार पिता श्री महाराजा दशरथ वही बीच में स्वर्ग सिधार गई, यह बात बिगड़ गई, न तो सब संभल गए। इतना सुनते ही भरत जी का बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा तकलीफ मन में भइल, उका फार के रोए लगनी और पूछे लगनी। गोस्वामी जी लिखता नहीं, सुनत भरत भये विवस विषाला, सुनत भरत भये विवस विषाला, जनु सह में उकरी के हरि नाना, जनु सह में उकरी के हरि नाना, तात तात हा तात पुकारी, तात तात हा तात
नामक पुकारी पर भूमि तल व्याकुल भारी पर भूमि तल व्याकुल भारी। सुन के भरत जी का बहुत दुख भइल। कतनी सुनत भरत भय विवश विषादा। ये सुनते ही भरत जी विषाद के बस में हो गए, तड़पे लगले, दुखी हो गए। जनु सहमव करी के हरियादा। जैसे बहुत बड़ा शेर के चिगार सुन के हाथी भी सहम जला, वैसन सहम गनी भरत जी और कतनी तात तात हाँ तात पुकारी। पिताजी के नाम तात तात कह के चिल्लाए लगले भरत जी और धरती पर व्याकुल होके गिर पड़ने। रोए लगने भरत जी का तनी चलत न देख न पाओ तो। जाते जाते अंतिम समय में भी रावण दर्शन ना भइल, ऐसन विधाता हमरा विपरीत हो गई नी। तात न राम ही सौंप मोही, हे तात राम जी के सौंप के भी ना गनी रहुआ और चल गनी बहुरी धीर धरी उठे संभाल। बहुत तड़पते तड़पते धीरज धर के संभल के उठनी और कहो पितु मरण हे तु महतारी। यह माता पिताजी के मृत्यु के कारण बताई। कारण बतावे लगली के कई जी सुनावे लगली कि बबुआ राम जी के गद्दी दियात रहल हा, लेकिन मंथरा सहयोगी भैली ये बतैली हमरा से कि मैं तो सब चाल बा, राम जी राजा बनिए भरत जी के दास बना के रखल जाई तो दूगो वरदान हम राजा के साथ वादा रहे हमार। वह दू वरदान मंत्रा के सहयोग से सलाह से हम महाराज से मंगनी कि 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश विशेष उदासी और बेटा तहरा खातिर हम राज गद्दी मांगे। वो सोच ली कि बेटा खुश हुई है, लेकिन सुनते भरत जी के विषाद और बढ़ गए, दुख और बढ़ गए। भुला गने की पिताजी के मृत्यु भइल बा, राम जी के वन गमन सुन के भरत जी के छाती फाटे लागल। भरत जी और रोए लगनी, मतारी के कोसे लगनी। गोस्वामी जी लिखनी राम विरोधी हृदय प्रकट कीन्ह विधि मोहि, मोह समान को पात की वादी कहूं कछु होइ। राम विरोधी हमरा के भगवान बना देनी। हमरे कारण राम जी का वनवास मिल गईल, वहां के सेवा करे के अवसर तो हमरा ना मिलल, उनकर पूजा करे के अवसर तो ना मिलल। हमरे कारण राम जी के वनवास हो गए कि हे मतारी तो हमरा के आज राम विरोधी बना देलू। सारा जगत इतिहास में कोशत रही कि हम ऐसन मतारी से जन्म लेनी। हमरा जैसन पापी संसार में के बा जेकरा कारण भगवान का बन जाए के पड़ो। हमरे कारण भगवान जी बन गइल बानी, हम तो महापाप के भागी बन गए नी। ये भी भरत जी सुनावत रही, दुखी होत रही, तब ही मंथरा वहां चलेली। तही अवसर कुबरी तहां आई, बसन विभूषण विविध बनाई। बहुत वेशभूषा बना के कुबरी मंथरा वहां चलाइल। खुश होके कि भरत जी खुश होके देख के शत्रुघ्न जी के क्रोध आयल। वहां का झोटा खींच के पटक के ले गनी कुबर पर, मरनी एक लात के उनकर कुबरे टूट गए। क्यों भरत जी उनका के समझा बुझा के छुड़ा देनी। बहुत विपत्ति की स्थिति अयोध्या में आ गई। भरत जी बहुत दुखी बने कि आज हमरे कारण हमरा भगवान के, हमरा राम जी के और हमरा प्रिय भाई लखन जी के साथ में सीता जी के वनवास जाए के पड़ल। भरत जी के विषाद के दुख के कोनो सीमा नहीं खे, तड़प रहल बनी। श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी बहुत दुखी बानी, मन में यह दुख बा कि कौशल्या मैया से का कहे।
ओहों का यह कहे कि एकरे कारण हमार बेटा बन में गई बा। कौशल्या जी के लगे भरत जी बहुत दुखी मन से जातनी। गोस्वामी जी लिखनी, भरत ही देखी मातु उठी धाई, भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनी परिजयाई, मूर्छित अवनी परिछैया। देखत भारत बिकल भय भारी, देखत भारत बिकल भय भारी, परे चरण तर दशा विसारी, चरण तन दशा विचारी। भरत ही देख माठ उछधाई, भरत जी के देख के कौशल्या जी उठ के दौड़ली कि हमार बेटा आ गए। उनका खातिर मन में कोनो भेद ना रहे कि राम जी बानी कि भरत जी बानी। ये देख के भरत जी और विकल हो गए नहीं। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिचारी। भरत जी व्याकुल हो गए, देखनी कि माता के कपड़ा सफेद हो गई बा, चेहरा मलिन बा, राम जी के वनवास हो गई बा। धरती पर भरत जी गिर गनी, रोवे लगनी। अब कहतनी, मातु तात कह देरी दिखाई, मातु तात कह देरी दिखाई, कहसिय राम लखन दो भाई, कहसिय राम लखन दो भाई, कह कई कत जन्मी जग माझा, कह कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी त भई काहे न पाजा, जो जन्मी त भई काहे न पाजा। कौशल्या जी के सामने भरत जी रोए लगनी, कहतनी मातु तात कह दे दिखाई, हे माँ तात कहा बनी, पिताजी कहा बनी दिखा दे। कह सिय राम लखन दो भाई, कहा सीता जी बनी, कहा राम जी बनी, लखन जी कहा बनी, हमार माई के कई बांझ काहे ना हो गई, हम इकरा गर्भ से काहे जन्म लेनी। रोए लगनी भरत जी और कहतनी कि हे माता, कहीं रौरा मन में ही विचार हो को कि राजगद्दी पाओ में हमरो कहीं मन हुई, हमरो कोनो सहमति हुई, कि हमारे में कोनो गलती नहीं खे, हमार कोनो विचार नहीं खे, भगवान तो हमरा खातिर प्राण से प्यारे बानी। अगर हे माई हमरा मन में तनियो खोट हुई, तो जो बहुत गलत काम करे वाला के जो नरक मिलेला वो नरक हमरा मिल जाओ। हे माई यदि हमरा से भूल भइल होई, तो जे देवी देवता के छोड़ के भूत प्रेत के ग्रहों के पूजा करेला लोग, वो लोग का जोन पाप लागेला वो सब पाप हमरा लग जाओ। हर तरह से भरत जी अपन बात कहे लगनी। इस सुन के माता कौशल्या बहुत भावुक हो गईली और कहतरी, मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय, कहती राम प्रियतात तुम,
सदा वचन मम का। भरत जी के व्याकुल दुखी ऐसन वचन सुनके कौशल्या जी कहे लगली कि हे भरत जी, तू तो सरल स्वभाव के बारा कहली कि राम प्रिय तात तुम, हे तात हे पुत्र, तू तो हमेशा राम जी के प्रिय हुआ। वचन से मन से कर्म से हर तरह के तू राम जी के भक्त बड़ा, तहरा खातिर ऐसे हम कैसे सोच सकता नहीं। माता हर तरह से भरत जी के समझैली, ढाढ़स बनावे के कोशिश कैली, भरत जी के व्याकुलता कम नहीं के होत। आज के कथा यही जा विराम ली, भगवान नाम के कीर्तन कुछ देर साथ में करी, फिर कथा के विश्राम हुई। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे।